आपके अपने चैनल आरके न्यूज़ अपडेट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरियों से जुड़ी खबरें पाना चाहते हैं और डीसी रेट की भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब डिस्कस करते हैं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। दोस्तों, आरआरबी के फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज और फोर्थ फेज के एग्जाम हो चुके हैं दोस्तों, और आरआरबी एनटीपीसी का आज जो है दोस्तों फिफ्थ फेज का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जो इसका एग्जाम है दोस्तों, एनटीपीसी के एग्जाम जो दोस्तों फिफ्थ फेज के, वो 4 मार्च 2021 से दोस्तों 27 मार्च 2021 तक चलेंगे दोस्तों। इन डेटों के अंदर इनके एग्जाम होंगे दोस्तों। और अगर आप अपना एडमिट कार्ड देखना चाहते हो या फिर आप देखना चाहते हो कि आपका फिफ्थ फेज में शेड्यूल में पेपर होगा या नहीं होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है उसको भर के आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अगर आपका पेपर होगा दोस्तों इस फेज के अंदर, तो आपको एग्जाम सिटी दिखाई देगी दोस्तों। और ये दोस्तों जो आप रोल नंबर डाउनलोड करने की सोच रहे हो, तो वो दोस्तों वो नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ एग्जाम सिटी देख पाओगे। जो आपका पेपर होगा, जिस डेट को आपका पेपर होगा, उससे 4 दिन पहले ही आपको ईमेल और मोबाइल नंबर पे मैसेज के जरिए ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। 4 दिन पहले ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। इससे पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ एग्जाम सिटी देख पाओगे कि आपका पेपर कहाँ पर होगा, और जो एग्जाम सेंटर का जो स्कूल का नाम है दोस्तों वो नहीं आएगा। तब तक 4 दिन पहले आप उसको पेपर की डेट से आप डाउनलोड कर पाओगे 4 दिन पहले। और जो दोस्तों ये होगा 23 मार्च से शुरू दोस्तों। तो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं दोस्तों, वो ट्रैवलिंग फ्री कर सकते हैं रेलवे के अंदर। वहाँ से आप उनको क्या करना होगा, जो आरआरबी की साइट है दोस्तों, वहाँ से उनको एक स्लिप डाउनलोड करनी होगी, और उसके थ्रू वो अपने बायोडाटा भर के उसके अंदर रेलवे के अंदर जो पेपर देने का जो शेड्यूल है उनका, उस डेट के अंदर वो अपना फ्री ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आरआरबी फिफ्थ फेज की डिटेल। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।